बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं हूं रिस कमाली और आप देख रहे हैं वीकेंड बस। और आज तो कुछ खास है। अब आप बोलेंगे खास क्या है। आज एक खास पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है जिन्हें आप सब ने बहुत मिस किया। अपनी ईमेल्स के जरिए हमें बताया कि वो कहाँ गायब है, उन्हें जल्दी से बुलाया जाए। तो हमने सोचा कि कुछ आप कहें और वो हम करें ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वेल, कहा जाता है उन्हें प्रिंस ऑफ हीलिंग, यानी कि सारे जो प्रॉब्लम्स होती है ना, इंटरनल डिप्रेशन कह लें आप, एंजाइटी कह लें आप, बीपी कह लें आप, या कुछ ना कहें, कुछ भी ना कहें, ऐसा भी एक मौका होता है जब इंसान को खुद पता नहीं होता कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। उस सिचुएशन में भी सॉर्ट आउट करना और आपको ये बताना कि बेसिकली मसला है कहाँ, इसके लिए बहुत ही परफेक्ट है। जी हाँ, हमारे साथ होते थे डॉक्टर समद, जील साइंसेस और रेकी संदा ट्रीटमेंट आपको सेशंस देते रहे और कुछ अरसे के लिए कहीं गायब से हो गए थे, यहाँ से वैसे नहीं, तो दोबारा से हमारे साथ मौजूद हैं। इनको करते हैं हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं कैसी लग रही परी? ये परी बराबर है ना, वो अच्छी लग, परी प्यारी, ये वर्ड्स मैंने बड़े मिस किए क्योंकि जब आप नहीं थे तो एक आप ही थे जो मुझे परी बोलते थे और मैंने कहा ये परी बोलने वाले कहाँ गायब हो गए। असल में जब इंसान के दिल में खूबसूरती होते है वो ऊपर भी नजर आते में हर चीज, तो आप वाकई परी लग रहे हैं, दिल से भी और फिजिकली। मैंने बहुत मिस किया आप लोगों को, बहुत बहुत इम्तियाज़। मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, तर ताज़ा, बिल्कुल खुशी में हूँ, बिल्कुल एक हैप्पीनेस है अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा। हाँ बिल्कुल, हमारी सारी टीम ने, स्पेशली हमारे व्यूअर्स ने आपको बहुत मिस किया और माशाल्लाह जब आपका ये कमबैक हमारे शो में हुआ है तो यू लुकिंग मोर फ्रेश एंड एनर्जेटिक। जो आपका थोड़ा सा ये फ्रेंच आपने थोड़ी सी चेंज की है और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्शन भी माशाल्लाह अच्छा फ्रेश हो गया है। तो कहीं घूम फिर कर आए हैं? असल में मैं कुछ आउट ऑफ सिटी भी गया था और एक मेरा बुक है उस पर काम कर रहा था, बुक्स पे। तो पब्लिशर ने बहुत सारे कुछ उसमें किए तो फिर मैं अभी उसके साथ बिजी था, अब मैं फारिग हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और किताब जो है ना वो जेरी चाप है। अच्छा, तो किस नाम से? ये जील साइंसेस के नाम से। अच्छा, जील साइंसेस के नाम से इंशाल्लाह एक दो महीने के अंदर अंदर पब्लिश हो जाए। सही, आपकी तो माशाल्लाह बहुत सारी यहाँ और भी बुक्स थी जो हमने शो अप की थी अपने व्यूअर्स को और हमने यहाँ पर फ्री उनको एक हमने ऑफर भी दी हुई थी कि जो हमारे कॉलर्स होंगे शुरू के 10 कॉलर्स उनको हम फ्री बुक्स देंगे और आपकी कुछ और भी चीजें थी। ये बहुत जबरदस्त किताब है, इसमें तमाम जितने भी उलूम है, जितने भी पैरानॉर्मल है, माइंड साइंसिस पे है, अल्टरनेटिव मेडिसन है, जितने भी सब्जेक्ट्स है, ये यानी नेचुरल साइंस, नेचुरल जो थेरेपीज है, जितने भी उसमें सब्जेक्ट्स है, ये तमाम के तमाम इसमें है। और ये बहुत जखीम किताब है, ये तकरीबन 450 सफात की किताब है, A4 साइज। अच्छा, दैट्स रियली नाइस, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो फॉन्ट होता है वो इतना छोटा होता है कि आपको इजी टू रीड नहीं होता वो, लेकिन अगर आपका A4 साइज है तो इट्स गोना बी द बिगर वन। A4 साइज है, फिर उसमें पिक्चर भी है, वो भी कलरफुल, और योगा के मैंने तकरीबन उसमें कोई 60 आसन का डाले, 60 आसन सिर्फ योगा के। तो ये पूरा नेचुरल नेचर पे है, नेचुरली जो इंसान अपने आप को बेहतर करने के लिए, यानी वो एक डॉक्टर है, इस किताब का नाम ही डॉक्टर रखने चाहिए, डॉक्टर जहाँ घर का डॉक्टर। हाँ, मुझे बताया गया था कि आप इसका नाम रखे घर का डॉक्टर, घर का डॉक्टर। साउंड्स टू बी वो भी नेचुरल, यानी कि कोई इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, इतना अच्छे तरीके से उसमें, यानी तमाम रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर जोन थेरेपी और अल्टरनेटिव मेडिसिन भी, जितनी भी चीजें है, पेंडुलम है, हर्बल है, हर्ब थेरेपी है, होम्योपैथी है, उसमें माइंड साइंसिस है, बायो एनर्जी है, बायो माइंड पावर है, बायो प्लाज्मिक पावर है, योगा है, उसमें फिर योगा के तमाम इकसाम है। अच्छा, और ये अच्छी बात है कि उसमें पिक्चर्स के साथ मौजूद है। अक्सर ये होता है कि जब आप रीड कर रहे होते हैं ना तो आपको पोस्चर नहीं होता माइंड में कि वो किस तरह से आपको बनाना है। बहुत खूबसूरत हमने बनाई है इसको, हमने बिल्कुल पिक्चर्स मकसद उसके मुताबिक आपको बिल्कुल वाजे होता है वो चीज़ की, आप उसको पढ़ें और उसको पिक्चर, कहते हैं 1000 वर्ड एक पिक्चर के बराबर होते हैं, यानी एक पिक्चर अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये किया कि इसमें आए पिक्चर्स हो, और थोड़ा उस पर कॉस्टली है लेकिन लोगों के लिए नॉलेज चाहिए, इलम चाहिए, हाँ, हाँ। तो वो इजी बन जाता नहीं, है ऐसी चीजें तो मेरा ख्याल है कि अनमोल होती है। बहुत बहुत
बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि आज मौसम जैसे कि आपने देखा इतना खुशगवार है, इतना खूबसूरत है, तो क्या लोगों से आप कहना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत कम अवेल हम कर पाते हैं, इसकी ऐसे सिनेरियोज, ऐसे इन्वायरमेंट्स, इस किस्म का वेदर, तो और वैसे भी बाहर का सीज़न है। छोटी फूटी खुशियाँ जो होती है, छोटी फूटी, ये बहुत काउंट करते हैं इंसान की ज़िंदगी में। बहुत ज़रूरी है कि हम मौसम को इंजॉय करें, हम यानी नेचर को फील करें। अगर नेचर खूबसूरती है तो हम उसको और बढ़ा दें, क्योंकि हमारे दिल में खूबसूरती उस वक्त आ जाता है जब हम बाहर इन्वायरमेंट को खूबसूरत देखते हैं और उसको इमेजिन करते हैं। हम खूबसूरती को हमारे दिल से उठते हैं, अदर्स पे असर करते हैं, माहौल का भी काफ़ी फर्क पड़ता है। बिल्कुल, माहौल इतना ज़्यादा असर करते हैं कि अगर कोई बुरे माहौल में भी रहता है, कि गर्मी हो कोई भी हो, अब बहुत सारे हमारे दूसरे जो हमारे दूसरे सूबे हैं उसमें आज थोड़ा बहुत गर्मी है कुछ जगहों पे, लेकिन हर मौसम को एंजॉय करनी चाहिए। हाँ, और हर मौसम अल्लाह ताला ने इसलिए बनाए हैं कि वो खूबसूरती के लिए बनाए हैं। हर मौसम में एक ख़ास सा फीलिंग होती है इंसान के, ख़ास से एक मज़ा होते हैं। गर्मी के अपने मज़ा होते हैं, सर्दी के अपने मज़े होते हैं, तो इंजॉय करनी चाहिए इंसान को। मुझे बहुत अच्छा। कौन सा मौसम पसंद है? मुझे तो सबसे ज़्यादा जो पसंद है सर्दी का मौसम। मुझे बर्फ़, शदीद सर्दी हो, शदीद सर्दी। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ फ्रीज हो गया है शदीद सर्दी में? आई मीन इंसान डम सा हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता। मेरे साथ तो ये होता है, असल में आबादी नहीं है अब गर्मी में। हाँ, मेरे पैदाइश सर्दी में भी है, तो मुझे सर्दी, बर्फ, ये चीजें मतलब बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ज्यादा पसंद है या स्नोफॉल? बारिश को तो मैं बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा, स्नोफॉल बहुत पसंद करता हूँ। और जहाँ लगता है जब बारिश की पहली बूंद चेहरे पे आके गिरती है, ओफ ओफ ओफ, मैं तो इतना एंजॉय करता हूँ इस तरह की खुल के बस आसमान में। मेरा दिल चाह रहा है कि हम ना कहीं से कुछ अरेंज करवा दें, कहीं रूप से कुछ टपकना शुरू हो जाए बारिश वगैरह। जो आपने ये एक्शन किया, बारिश मसनई, बारिश भी कभी कभी मैं ऐसा करवाता हूँ, ऐसा पानी के लिए बैठ के थोड़ी मेडिटेशन करते हैं। अच्छा, ये भी होता है, इट्स द पार्ट ऑफ योगा, है बहुत बहुत। स्विमिंग पूल, अभी मैं स्विमिंग करता हूँ तो वहाँ जाकर नीचे, यानी जाकर स्विमिंग पूल के नीचे अंडर वाटर जाके सांस रुक लेते हैं। अच्छा। तो चंद मिनट के लिए सांस रुक के फिर ऊपर आते हैं। हाँ, हाँ। सांस इतना मजा आता है उसमें, इंसान इतना फ्रेश फील करते हैं, बहुत अच्छा। स्विमिंग का तो वैसे ही बहुत, आप इतने लाइट हो जाते हैं, इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज, बेहतरीन एक्सरसाइज। फ्लोटिंग करने में बहुत मजा आता है, बिल्कुल लाइट फील कर रहा होता है इंसान अपने आप, बेहतरीन एक्सरसाइज है। वैसे पानी का एक अपना नेचुरली हमारी बॉडी के साथ उनके एक अपना एक लिंक है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पानी है, पानी है जमीन पे, बॉडी में। बिल्कुल, और इंसान को सबसे जो जिसे आप नुत्फ़ा हयात कह सकते हैं वो है पानी है। तो ये एक मेन मनबे है, नुक्ता है जो हयात का है। तो पानी के साथ स्विमिंग बहुत जरूरी होती है। कभी कभी समंदर के किनारे मैं अकेला जाता हूँ। अब कल मैं अकेला गया हुआ था, किसी को साथ नहीं ले गया। अच्छा, किधर गया? और समंदर को एंजॉय किया, सामने बैठ के थोड़ा मेडिटेशन किया, फील किए, यानी मैंने की खूबसूरती को, उनकी खूबसूरती को, लहरों से कुछ वाइब्स आ रही होंगी, जस्ट किया, इतने वेव बेहतरीन आते हैं समंदर। जब आप सोचते हैं कि ये समंदर सारी दुनिया के साथ कनेक्ट है और इसके अंदर कितनी खूबसूरत दुनिया और है, और जब इस तरह के आप तसव्वुर करते हैं तो वो आपको फील होता है, हकीकत में फीलिंग होती है। अच्छा, मतलब समंदर के साथ एक खास बात है जो मैंने नोटिस की है, अगर आप उदास हों तो समंदर आपको और उदास कर देता है, और अगर आप खुश हों तो समंदर आपको और खुशी देता है। आई मीन समंदर के दोनों रंग हैं। बिल्कुल, एक प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि जब अंदर के मौसम अच्छा होता है तो सब मौसम अच्छा होता है। हाँ, ये भी है। बेसिकली जब आपके मौसम अंदर के अच्छे हैं तो आपको कोई भी मौसम अच्छा लगे, कोई भी मौसम, कोई भी इन्वायरमेंट, कोई भी माहौल, कोई भी जगह, कोई भी शख्स, कोई भी खाना, कोई पीना, कोई घूमना फिरना, कोई भी चीज आपको अच्छा लगेंगे जब आपके अंदर से मौसम अच्छा हो। तो समुदाय हीलिंग एनर्जी में हम ये सिखाते हैं कि आपके अंदर की मौसम अच्छा, बिल्कुल, और आप हर जगह पे एनर्जेटिक रहें, हर जगह पे पावरफुल रहें, ताकतवर रहें, और फील करें आपके आप हर काम के लिए तैयार है, मकसद
लिथार्जिक नहीं है। एक लिथार्जिक हालत उस वक्त इंसान पे तारे होता है जब वो इंजॉय नहीं करते हैं, जब वो मौसम को इंजॉय नहीं करते हैं, माहौल को इंजॉय नहीं करते हैं, गुफ्तगू को इंजॉय नहीं करते हैं, कोई भी काम को इंजॉय नहीं करता है, वो काम सही होता है। बड़ा आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, मतलब दे डोंट वांट टू ओपन देमसेल्फ, एक शेल्टर में, एक शेल में होते हैं, अपने आप को एक शेल में बंद कर लेते हैं, ओपन अप नहीं होते, इंजॉय नहीं करते किसी की कंपनी को या किसी माहौल को या किसी भी सिनेरियो को। उन लोगों को हम किस तरह से, मतलब इसे कहते हैं कि इंसान को कॉन्फिडेंस की कमी होती है, खौफ होती है, उसकी वजह से होती है सारा कुछ।